ये है एक और गुप्त दरवाजा। ऐसी खतरनाक खतरनाक चीजें ढूंढनी चाहिए। ऊपर चढ़ाई थी, नीचे ढलान है, रास्ता पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। उसके बाद नाश्ता होगा। अभी नाश्ते का टाइम है, नाश्ता कराएंगे आप? हाँ। अभी नाश्ता तो हर किसी को नहीं करा सकते, अच्छा, क्योंकि बोलना पड़ता है ना वहाँ की, पहले बोलना पड़ता है। पहले बोलना पड़ता है। अच्छा, मतलब एक दिन पहले बोलेंगे फिर नाश्ता मिलेगा नहीं, वहाँ पे। नहीं। रहने की व्यवस्था भी, यहाँ पे हाँ? रहने का व्यवस्था भी है? हाँ, रहने का गेस्ट लोग जो बाहर से आते क्या हैं। पैसे होते हैं मतलब? तो बाहर से मतलब इंडिया के या इंडिया से बाहर के? नहीं, बाहर से मतलब एक वेबसाइट रहती है इनके, अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑप्शन में तो उस पर लोग ये वाला आ जाता है गाँव की तरफ, ये रास्ता गाँव। गांव यहाँ पे मतलब ऐसी जगह पे गांव भी है मतलब इतना अच्छी जगह पे? हाँ, बहुत सुंदर गांव है, आप देखना अच्छा, इधर, ठीक है? बहुत कितना कितना सुंदर, आगे गांव यहाँ से? बस थोड़ा यहाँ से थोड़ा आगे चले जाए, उसके हाँ बाद नीचे ऊपर वही गांव है। गांव है। और ये यहाँ पे चैंटिंग होगी और फिर नाश्ता होगा, हाँ, फिर लेकिन नाश्ता, नाश्ता नहीं खिलाएंगे तो फिर क्या मज़ा आएगा यार? क्योंकि यहाँ का ऐसा हर किसी को, हाँ, अगर कोई जान पहचान के है ना तो चलो ठीक है भाई, आप जाए दर्शन कीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा मंदिर में, इतना सुंदर मंदिर है ना, चलो प्लीज़, दर्शन करते हैं ठीक फिर। है? हाँ आज आप जाइए मंदिर में। तो हम चले मंदिर दर्शन करने के लिए। ऐसी नई नई जगह ढूंढनी चाहिए, ऐसी जगह पे लोग भी अच्छे होते हैं और जगह ही भक्कम होती हैं। जहाँ मेरी दुकान है ना वहाँ पे भी रामकृष्ण का वो है, कहाँ है आपकी दुकान? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ, आर के आश्रम आ गया ना, हाँ हाँ आर के मतलब रामकृष्ण हाँ आश्रम हाँ आ गया। आराम कृष्ण से, हाँ तो वहाँ तो काफ़ी बड़ा है ना। हाँ वहाँ तो बहुत बड़ा है, पर ये हाँ, बहुत अच्छा है, यहाँ तो बिल्कुल खुला खुला है। अभी तो थोड़ा सा आपको वो सब्जियाँ फ्री में दे जाते हैं गांव के लोग? नहीं तो, वो लेडीज आपसे पूछ देते हैं सब्जी के लिए? हाँ, उनको खरीदना पड़ता है। अच्छा, ये आप क्या लेके आए हो? ये मैं सुबह, मेरी फूल की ड्यूटी रहती ना, तो अच्छा ठाकुर अच्छा जी के लिए फूल की एक माला बनाते हैं, और पूजा के लिए जो फूल होते हैं वो मेरी अच्छा ड्यूटी है। तो ये फूल आप यहीं से लेके आए हो? हाँ, यही आश्रम से, अच्छा, आश्रम तो से। ये सब घर है छोटे छोटे से? एक्चुअली ये मॉन्क्स क्वार्टर है, ठीक है? अच्छा यहाँ मॉन्क्स लोग रहते हैं जो बाहर से आते हैं ना गेस्ट में, हाँ और हमारे जो मॉन्क्स हैं वो नीचे रहते हैं, देखिए अच्छा वो नीचे, यहाँ नीचे से लेकर पूरा हमारा बिल्डिंग है, हाँ और ये सामने रास्ता जाता है। एक इनका नाम है, ये ब्रह्मानंद कुटीर है। हाँ आप यहाँ से आगे जाइए हाँ और मैं अभी फूल तोड़ता हूँ, ठीक है? और मंदिर में भी है? हाँ, उसके सामने आपको दिख जाएगा, आप मंदिर में चले जाइए, ठीक है? प्रणाम। तो यहाँ पे है, और ये है मंदिर अंदर से। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, मुझे पता चला अभी अभी ये जो बिल्डिंग है ये 104 साल पुरानी है, मतलब ये 1917 में बनी थी। यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या करी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी। तो ये बिल्डिंग 104 साल पुरानी है। अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी अंदर अगरबत्ती की स्मेल थी, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और ये बिल्डिंग 104 साल पुरानी है, मतलब कितनी पुरानी है आप सोच सकते हो, 104 साल पुरानी। ये है यहाँ का व्यू, और आप सोच सकते हैं इस बंदे ने उस समय यहाँ पे तपस्या करी थी, मतलब उस समय, क्या बात है। इन्होंने की थी यहाँ पे तपस्या, और इन्हों के लिए ही ये आश्रम बनाया गया यहाँ पे, इन्हीं को मतलब डेवोटेड है। तो वहाँ से उस गुप्त जगह से आते थे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये है रामकृष्ण की कोई कुटीर है, यहाँ पे नीचे मंदिर है रामकृष्ण का, और यहाँ पे बहुत ही भक्कम है, छोटे छोटे घर बना रखे हैं, और घरों के साथ में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत ही भक्कम मौसम है, और यहाँ पे बिल्कुल ही एक जंगल वाला माहौल है, जंगल के अंदर घर बना रखे हैं, और पीछे वहाँ पे एक गाँव है। और अब हम जा रहे हैं वापस। और ये है यहाँ का बोर्ड, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो।